इंदौर शहर में पहले से अवैध कॉलोनियों की भरमार है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस शासन आते ही अवैध कॉलोनियां स्थापित करने वाले कॉलोनाइजर फिर सक्रिय हो चुके हैं। इसका एक ताजा उदाहरण अन्नपूर्णा मंदिर के निकट देखा जा सकता है। अन्नपूर्णा मंदिर के निकट साउथ एवेन्यू के नाम से ये कॉलोनी बहुत तेजी से आकार ले रही है। यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक नए निर्माण एक साथ शुरू हो चुके हैं। इन निर्माणों के पहले यहाँ पर 30 से 40 साल पुराने सैकड़ों बबूल सहित अन्य वृक्ष थे, जिन्हें जेसीबी से एक ही दिन में धराशायी कर दिया गया। ये वृक्ष कितने पुराने थे, इनका आकार देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। नाम बता दे, क्या नाम है ठेकेदार का? महेश नाम है। महेश नाम है ठेकेदार का, तो कहाँ मिलेंगे महेश? कब है वो? कहीं शादी में गए थे। जितने काम चल रहे हैं कहीं के भी ठेकेदार नहीं है, काम कर रहे हैं वो वहाँ पे वाली साइड पे। अच्छा, आपको कोई जानकारी नहीं किसका मकान बन रहा है क्या? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं सर। इस्लाम भाई। इस्लाम भाई कहाँ है वो? इस्लाम भाई वो तो साइड पे नहीं है आज। कितने मकान बना रहे हैं वो? 7। 7 मकान अकेले बना रहे हो? तो अभी कल भी तो नहीं थे वो यहाँ पे आए थे? ठेकेदार को मकान बना भाई कहाँ है? अभी यही थे, गए कहीं। कब मिलेंगे का मोबाइल नंबर वगैरह? ये जो बना रहे हो मतलब कितने मकान बन रहे हैं, किसके अनुमति से बन रहे हैं, किसके थोड़ा तो जानकारी चाहिए हमें। ये वो टापरी में चल जाओ ना, आपको सुपरवाइजर साहब मिलेंगे। आप कहाँ पे? ये टापरी बनी है ना। अच्छा, ये मिलेगी। इसकी कॉलोनी में सही है? नहीं सब अपने को नहीं आएगा। बोले यार आप घूमते रहे तो आज बढ़ जाओ 2 घंटा, क्या पेमेंट दे देंगे आपको? बोला यार पेमेंट जब जरूरत है, फ्री आदमी है, शुगर भी पिए, घूमते रहते हैं जरूरत से। आगे बैठा करो, बोले देखते देखते वगैरह है इसमें झाड़ वाड़ काट दिए ढेर सारे। हमें भी तो सूचना मिली है, लोगों ने हमको खबर दी है कि बहुत सारे झाड़। सर नंबर ले रहे हैं उनका, नंबर दे दो। नंबर ले, नंबर उनका है ना मेरे पास, नंबर ले उनका। वो कौन है यहाँ पे? मेरे ख्याल से उनके ही गए, उनके ही बंगले बन रहे हैं। 5-6 लोग हैं इधर, कई सिंधी लोग ही हमारे कोस्ट के। हाँ हाँ। तो मैं पीछे तुम बोले यार तुम तुम फालतू घूमते बोले। हाँ हाँ। तो बोले यार आ जाओ बोले। इन्होंने क्या नाम रखा इसका? इन्होंने क्या अच्छा नंबर बताओ? ये विजयनगर बोलते, विजयनगर बोलते सर। विजयनगर? विनय, विनयनगर। विनयनगर क्या नाम है उनका? प्रकाश पंजाबी नाम है दादा का। और ये क्या काट रहे हैं यहाँ पे? ये तो कुछ ऐसा बोल रहे, ये काम चल रहा है, छोटा मोटा काम चल रहा है थोड़ा। कितने मकान? कितने मकान काट रहे हैं यहाँ पे? ये मकान नहीं, ऐसा थोड़ा एक एक रूम बन रहा है चौकीदार के लिए। कितने चौकीदार यहाँ पे? 25 मकान बन रहे हैं वर्तमान में। चौकीदार लोग भी आएंगे सर, चौकीदार भी आएंगे। चौकीदार के 25 चौकीदार आएंगे यहाँ पे, जिस हिसाब से मकान बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो वो बोला कि चौकीदार का मकान मारने के लिए। और ये झाड़ वगैरह जो काटे हैं इसकी परमिशन की? उसके बस उसके पहले मकान। आपको कितने झाड़ काटे हैं यहाँ पर? मेरे को मालूम नहीं, उसके बाद में आया सर, मेरे को आने को 15 दिन हो गए। अच्छा दादा, जमीन किसकी थी पहले बताइए? वो मेरे को मालूम नहीं सर, मेरे को इतना मालूम नहीं। ठीक, आईडी की जमीन है ना? तो ये मेरे को सर मालूम नहीं, मेरे को इतना बोला कि आप चलो। आश्चर्य तो इस बात का है कि इतने झाड़ों की बलि देने के साथ ही दर्जनों नए निर्माण लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो वन विभाग का कोई अधिकारी आपत्ति लेने पहुंचा, ना ही नगर निगम के किसी अधिकारी ने इस मामले में रुचि दिखाई है। सूत्र बताते हैं कि क्षेत्रीय जोनल कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी की इसमें काफी मिलीभगत है। वहीं नगर निगम के कुछ आला अधिकारियों का भी पूरा संरक्षण इन कॉलोनाइजरों को मिल रहा है। इस कॉलोनी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है। इसके लिए ना तो नगर निगम से कोई नक्शा पास है, ना ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कोई अनुमति जारी हुई है। हद तो ये हो चुकी है कि यहाँ पर बिजली कंपनी भी नए कनेक्शन जारी कर चुकी है। जब इस मामले में यहाँ काम कर रहे मजदूरों से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि वे ठेकेदार सन्नी कारड़ा के कहने पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वहीं जब इस मामले में सन्नी कारड़ा से संपर्क किया गया तो उनका कहना है कि वह तो सिर्फ ठेकेदार है, कॉलोनाइजर रंजीत राजोरे और उनके साथी प्रकाश व अन्य है। इस पूरे मामले की जानकारी लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।